फादर, फादर मैंने गलती की है या नहीं तब मुझे समझ नहीं आया था। अब अपने किए उन्हीं पापों को ढो रही हूँ। उन्हीं पापों का दंड मेरा लगातार पीछा कर रहा है। उसकी कीमत भी मैं दे चुकी हूँ। अब मैं अनजाने में हुए उन पापों का भार ढो नहीं पा रही हूँ। आपको ही कुछ सल्यूशन देना होगा फादर, प्लीज। पाप और पापी, हम जैसे साधारण इंसान उसका फैसला कभी नहीं कर सकते। ईश्वर यीशु ही उसका फैसला करते हैं और उसके लिए यीशु क्षमा जरूर करेंगे। तुम जिसे गलत कह रही हो हिम्मत करके यहाँ बोल दो। जीजस ने मुझे जो कन्फेशन दिया है इसलिए जीजस और आपके हाथ को छूकर प्रे कर सकती हूँ। फादर, 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 माजी, माजी, यहाँ ये क्या हुआ? काम है अभी? आइए ना माजी। अच्छा चलती हूँ। सही। पापा, आज हमारी वेडिंग डे है। धनु भी कह रही थी, मैं ही भूल गया था। हैप्पी एनिवर्सरी। दोनों साथ में खड़े। थैंक यू पापा। कितने साल हो गए? 5 या 6? आपको कुछ याद भी रहता है? 6ठा साल है। हमेशा ही खुश रहो बेटा। खुश रहो। थोड़ा खुश होकर बोल दो। इनका इतना खुश होना काफी है क्या?
दूसरों को भी खुश रखना होगा। आशीर्वाद देकर भी क्या हो जाएगा। बेटा तुम अपनी माँ को तो जानते ही हो ना। अच्छा छोड़ो, चलो नाश्ता करते हैं। नमस्कार। मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। यहाँ के कबालेश्वर मंदिर से काशी तक होकर आ गई हूँ। अगले साल तक 2 से 3 होकर आशीर्वाद लेने का सोचना। लो आ गया तीसरा इंसान भी। अब क्या कहते हो? हमेशा मजाक ही सूझता है तुझे। Hey, by the way, many more happy returns of the day. Thank you. Congrats. Thanks, Vijay. तो फिर आज पार्टी कहाँ है? चलो बताओ, बारबेक्यू नेशन। अभी तो इडली, पोंगल और पराठे हैं, ठीक है? बोर हो गया भाभी। तो फिर मैगी नूडल्स खाओगे? अरे बाप रे, इससे अच्छा तो मैं अपनी इडलियाँ खा लूँ। यही खा सकते हैं, कोई चटनी है तो दे दो। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की बात कर रहे थे ना, मिल गया क्या? नहीं पापा, अगले हफ्ते अपॉइंटमेंट मिलेगा ऐसा बताया उन्होंने। अभी गैस पर इडली रखी है, जाकर लेके आ। ठीक है कि वेली वाकम के सेंट थॉमस चर्च के फादर जोसेफ आज सुबह रहस्यमय अवस्था में मृत पाए गए। चाहे जिसे भी पकड़ लो, आखिर में छोड़ना ही पड़ेगा। घर पे बैठे रहकर पेपर पढ़कर टीवी देखकर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करना अच्छा तो लगता है पापा। हमें भी आरोपी को गोली मारने की इच्छा होती है, लेकिन उस पर 1000 जवाब देने पड़ते हैं। तो फिर ऐसा केस लो जिसमें तुमसे कोई सवाल ना पूछे। इसके लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। भाभी अब आप ही बताओ, ये केस मैं लूं या नहीं? ओ, पापा के लॉयर पोस्ट और भाभी के कमिश्नर पोस्ट, अच्छा है। ये देखो, पहले तुम्हारी भाभी को माँ की पोस्ट मिलने दो, उतना काफी है। पोता या पोती की शक्ल देने का सोचो तो हो ही नहीं रहा है। बस बोलो तो गुस्सा तुरंत आता है। क्या माँ अभी फिर शुरू हो गई ना? आपसे बिना बोले रहा नहीं जाता क्या? अरे जो है वही तो बोला मैंने, खाली मैं ही तो नहीं कह रही हूँ। कल पड़ोस की कमला ने आकर लड़की की गोद भराई है कहा। मैंने बोला आ जाएंगे हम, सिर्फ आप ही आना बोल कर गई है। अब बताओ मैं क्या करूँ? उनके बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप भी ऐसा ही बोलोगी। पहले उनको बेटी की नजर से देखो, उसके बाद कमियां नहीं दिखेगी। ए, बहुत हो गया नाश्ता, जाकर कन्विंस करो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विजय यादव, बैठिए। थैंक यू सर। सर आते ही आपसे मिलने के लिए कहा गया। आज सुबह इंपॉर्टेंट वीआईपी यहां आकर पर्सनली एक कंप्लेंट देकर गए हैं। स्काई टीवी के सीईओ मिस्टर गगन ना सर? उनकी वाइफ 2 दिन से गायब है, जिसकी ये कंप्लेंट देकर गए हैं। एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन या कोई सस्पेक्ट बताया? उन्हें ठीक तरह से तो बताना नहीं आया, बट वन मोर थिंग, ये बात बाहर पता चली तो बाकी टीवी चैनल्स द्वारा कहीं बहुत बड़ा इशू ना हो जाए, उस बात से डर रहे हैं। इस बात को कॉन्फिडेंशियली डील करने के लिए आपको बुलाया है। फर्दर डिटेल्स के लिए मिस्टर गगन को आप इंटरोगेट कर सकते हैं, उनका नंबर है उसमें। ओके सर, चलता हूँ। आपके घर में ड्राइवर्स, मेड्स, इनमें से किसी ने भी आखिरी बार आपकी वाइफ को कब देखा, कुछ बताया? वेंसडे इवनिंग को ही ड्राइवर जब काम खत्म करके घर जा रहा था, सुबह कितने बजे आना है ये बात मेरी वाइफ से उसने पूछा था। हमेशा की तरह अपने टाइम पर आ जाऊंगा, उसने जवाब दिया। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। उस दिन आप कहाँ थे? हैदराबाद में एक तेलुगु चैनल की मीटिंग पे गया था। आखिरी बार अपनी वाइफ को कब कॉल किया था? अगले दिन मॉर्निंग में किया था। उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। मोस्टली उसका फोन स्विच ऑफ ही रहता है, इसलिए कैजुअली छोड़ दिया मैंने। तो आपको डाउट कब हुआ? उस दिन रात मुझे डाउट नहीं हुआ, बहुत बड़ा इशू नहीं है ये सोचकर मैंने वेट किया। उसके बाद ही मैंने पर्सनली कमिश्नर के पास जाकर कंप्लेंट करी। थैंक यू सर। सो शादी को कितने साल हो गए? 4 साल। किड्स? अब तक ना करने का प्लान किया था। नाउ वी आर इन प्लान। आपकी वाइफ की हॉबीज क्या है, पर्सनल एक्टिविटीज, ऐसा कुछ है? वो बहुत बड़ी क्रिकेट फैनेटिक है, इंडिया ही जीते इसलिए वो चर्च जाकर स्पेशल प्रेयर भी करती है।
उतनी पागल है वो। अच्छा, आपकी वाइफ को भगवान पर इतना भरोसा है? हाँ, हर संडे मिस किए बिना चर्च जाती है। कई बार तो लाइफ के जरूरी डिसीजन भी चर्च के फादर से पूछ कर ही लेती है। कौन सा चर्च? वेलिवकम सेंट थॉमस चर्च। उस चर्च के फादर जोसेफ की मौत हो गई, आप जानते हैं? हाँ, हमारे न्यूज डिवीजन की तरफ से। आई जस्ट गॉट टू नो इट। या थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। थैंक यू। इतने भरोसे से तुम कैसे कह सकते हो विजय? जेसिका को भी पिछले बुधवार को सभी घर वालों ने देखा है। सेंट थॉमस चर्च के फादर जोसेफ का मर्डर गुरुवार को हुआ है, और साथ में फादर जोसेफ कन्फेशन बॉक्स में थे, इसलिए उस दिन सुबह किसी को कन्फेशन दे रहे थे। फिर वो क्यों ना जेसिका ही हो, ये मेरा अजम्पशन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। विजय। यस सर। फादर का केस यही डील कर रहे हैं। हेलो सर। हेलो। विजय जिस केस को हैंडल कर रहे हैं उसमें उस लड़की का लापता होना, इनके अनुसार फादर के मरते वक्त वो कन्फेशन करने आई होगी, इस कत्ल में उसका भी कोई ताल्लुक हो सकता है। हो सकता है सर, ऐसे शक करेंगे तो फादर की मौत के वक्त बेल बजाने वाले से लेकर चौकीदार तक पर शक करना पड़ेगा। इट्स सिंपल, फादर के चर्च की सर्विस क्लियर होगी, लेकिन जब उसकी पर्सनल लाइफ की इंक्वायरी की तो एक बार बाईपास सर्जरी करवा कर दूसरी का इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन का खर्चा, घर में लिया हुआ कर्ज, ये सब परेशानियां इकट्ठी होने की वजह से सुसाइड करने को मजबूर हो गए होंगे। इस केस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मुझे तो फादर का मरना एक सुसाइड है, ये एक डाउट है सर। आप कैसे कह सकते हैं? उनकी पर्सनल लाइफ में चाहे जितनी भी परेशानियां हो, वो एक सच्चे क्रिश्चियन थे। यीशु के लिए ईमानदार रहने वाले अपने खून से पवित्र चर्च को खराब नहीं करना चाहेंगे। अगर उन्हें सुसाइड करना ही होता तो वो अपने घर पर करते, क्यों नहीं किया? लगता है फादर से ज्यादा बाइबल आपने पढ़ी है। इसके लिए बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है, क्रिश्चियन धर्म को अच्छी तरह जान लो काफी है। जेसिका और फादर का केस अगर एक ही एंगल में देखें तो इस केस को सुलझा सकते हैं सर। तो फिर देर क्यों सर, ये सारी भविष्यवाणी किए जा रहे हैं, तो ये केस इन्हीं को दे दीजिए। यस स्टीफन, मैंने भी यही फैसला किया है, विजय को ही ये हैंडल करने दो। सर। क्या सर? केस से जुड़ी सारी फाइल्स इन्हें सौंप दीजिए। यस सर। विजय। सर। फॉलो अप के लिए फादर केस को जो असिस्ट कर रहे हैं थाने के सब इंस्पेक्टर जगपति हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। बस थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं, संभाल लेना। I'll handle it, sir. Thank you. सुबह सुबह कहीं एक और बलि न चढ़ जाए, मेरी ही बलि न चढ़ जाए, यीशु अपना आशीर्वाद बनाए रखना। फादर की हाइट और वेट आपके साथ मैच हो रहा है, वो किस पोजीशन में बैठे हुए थे और वो कैसे गिर गए उस बात का अंदाजा लगाना था। बाहर आ जाइए। उसके लिए ऐसे बिठाया जाता है क्या सर, जैसे नई दवा चेक करने के लिए चूहे पर टेस्ट किया जाता है? अब आप समझ गए ना सर, फादर कैसे बैठे थे, कैसे गिरे थे, कब मरे थे, अब कहां गए होंगे, ये सब। बस एक ही अंतर है सर, फादर जिंदा नहीं है और मैं जिंदा हूँ, बस। जस्ट मिस। कमिश्नर साहब ने जो कहा वो सही था। कमिश्नर साहब ने मेरे बारे में क्या कहा? सब बताया। पीसी भानुमति की बात तो पता नहीं चल गई, उस दिन तो अकेला ही गया था। प्रमोशन वाली कोई बात की होगी क्या, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। बेल बजाते हैं, इनका नाम है एंथोनी। नमस्ते सर। 8 सालों से यही काम कर रहे हैं, फादर के रिकमेंडेशन पर यहाँ रखे गए थे। वैसे फादर लगभग चर्च कितने बजे आते थे? रोज तो 7 बजे आ जाते थे सर, संडे को 5 बजे आते थे, कोई स्पेशल प्रे करनी हो तो भी 5 बजे आते थे।
फादर उस दिन 6 बजे चर्च में थे। उस दिन कोई स्पेशल प्रेयर वगैरह हुई थी क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है सर। तो फादर उस दिन जल्दी क्यों आए थे? फादर की पहचान का कोई वीआईपी अगर कन्फेशन करने के लिए आना हो तो आने से पहले वो फोन किया करते थे। तो उस दिन कोई आया था? उस दिन मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी इसीलिए मैं चला गया था सर। लेकिन जाते वक्त गेट बंद मत करना, खुला ही रहने दो कहा था। गेट खुला रखने की बात इससे पहले आए पुलिस वालों से या इनसे पहले कभी कही थी क्या? नहीं सर, इन्होंने नहीं पूछा। क्यों भाई, पूछेंगे तो बोलोगे क्या? बिना पूछे कुछ नहीं बताओगे? फंसाएगा। फादर के मरने के बाद सबसे पहले बॉडी किसने देखी तुमने बताया? मीनल नाम की लड़की ने सर। और वो कहाँ मिलेगी? मीनल, तुमसे मिलने पुलिस डिपार्टमेंट से दो लोग आए हुए हैं, बाहर वेट कर रहे हैं। उन्हें बोलो मैं आ रही हूँ। गधे के बच्चे भी बचपन में प्यारे दिखते हैं सर, प्यार करने को दिल करता है। 5-6 साल बाद वही माँ बाप में झगड़ा करवा कर अलग अलग दिशा में भेज देते हैं। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? वो देखिए सर आ रही है, यही है मीनल। शांत दिखती है लेकिन मुंह खुले तो सुनामी आता है सर। मुझे क्यों बुलाया है? आप ही मीनल हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या बात है? मैं असिस्टेंट कमिश्नर विजय यादव। अपना आईडी कार्ड दिखाइए। अभी अभी तो इलेक्शन खत्म हुआ, इतनी जल्दी नॉमिनेशन करवाएगी? सर वोटर आईडी मांग रही है, दे दीजिए। आपका वोटर आईडी नहीं, आप पुलिस वाले हो ना, वो आईडी कार्ड दिखाइए। क्यों, आईडी कार्ड होगा तो ही बात करोगी? क्यों नहीं मांग सकती क्या? ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे ट्रेन में टीटी करता है। ठीक है, बताइए क्या बात है। फादर के केस में उनकी बॉडी को आपने पहली बार देखा था, उस बारे में आपसे कुछ बात करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितनी बार बताऊं, 2 दिन पहले ही तो आए थे ना यहाँ। कौन? मैं? आपके डिपार्टमेंट वाले, ये भी तो आए थे साथ में। 2 घंटे तक मेरे घर पर इंटरोगेशन किया था, सारे पड़ोसियों का जवाब देना पड़ा था मुझे। मेरे वर्क प्लेस पर आकर भी मुझे टॉर्चर करने लगे हो, अब मैं क्या करूं? सबने मुझसे कहा था पुलिस को कॉन्टेक्ट मत करना, लेकिन मैं ही नहीं मानी। उस डेड बॉडी को वहां देखकर निकल जाना चाहिए था। वैसे ही चली गई होती तो आपके घर पर पुलिस के डॉग्स आए होते। आप मुझे धमका रहे हैं? धमका नहीं रहा, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, आपके डिपार्टमेंट से चाहे जितने भी लोग आए, जितनी भी बार आए, एक ही बात पूछेंगे ना कि तुम चर्च क्यों गई थी, सुबह ही चर्च क्यों गई थी, फादर की डेड बॉडी कब देखी, जब उन्हें देखा तब क्या वो जिंदा थे, यही पूछोगे ना? आप लोग यहाँ से जाइए प्लीज। अभी मैं जो पूछने आया हूँ वो फादर की डेड बॉडी के बारे में नहीं है। तो फिर? अगर वो मर्डर होता तो आपने कैसे नहीं देखा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगली बार जब मैं आऊंगा तो पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करना। अगली बार भी आने वाले हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी इंटरवल। सर, यही मीनल का घर है। जाओ देख कर आओ। फिर वो बूढ़ा दिमाग खाएगा। अभी तक आया क्यों नहीं? लो आ गया। मीनल घर पर है क्या? वो तो सुबह ही नौकरी पर चली गई है। अच्छा, आप तो पहले भी पूछताछ करके गए थे ना, फिर किस लिए? वो क्या है कि नए ऑफिसर आए हैं, री इंक्वायरी करनी है। अगर आए तो बोलना मिल ले, ठीक है? ठीक है सर। इस बुड्ढे की बात साहब के कानों में पहुंच तो गई होगी, फिर भी मुझे बताना पड़ेगा। चलो बता देता हूँ। सर, सुबह नौकरी पर जल्दी चली गई, क्या फिर से वहाँ चलना है सर? जरूरत नहीं है, वो खुद थाने आ जाएगी। मिसिंग केस को लाइटली मत लेना सर, कल मुझे प्रोग्रेस चाहिए। सर ठीक है सर, केस के सिलसिले में आपसे मिलना चाहती हूँ सर। बैठिए प्लीज। उस दिन कहा था कि मेरे वर्क प्लेस पर मत आना, आज आपने घर ही भेज दिया। पुलिस स्टेशन में तो किसी लड़की का आना ओके है ना?
ओके है तो बताइए, जब जहाँ जो क्लैरिफिकेशन चाहिए हम बुलाएंगे। अब कैसी क्लैरिफिकेशन? हाँ ये चेन आपकी है? हेलो, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। एलेक्स सर। यस सर। वैष्णो देवी कब जा रहे हो? जाने ही वाला हूँ सर, छुट्टी के बारे में आपसे बात करना था। ओके ठीक है, बुलाऊंगा सर। मैं भी हर हफ्ते चर्च जाता हूँ, तो क्या मैं क्रिश्चियन हूँ? इट मेक्स नो डिफरेंस। जीसस, गांधी, गुरुद्वारा, ये सब अब फैशन सिंबल्स हो गए। ठीक है तो सुनिए, पहली बात तो ये कि ये चेन मेरी नहीं है, और चर्च पर कई ट्रस्ट की तरफ से बहुत सारे फंड्स आते हैं जिन्हें हर महीने मैं ही कलेक्ट करने जाती हूँ, पर जाने से एक दिन पहले मैं फादर को कॉल करके उनसे मिलने चली जाया करती हूँ और कलेक्ट कर लेती हूँ। अंदर जाकर प्रेयर हॉल में देखा तो फादर वहाँ पर नहीं थे, फिर कन्फेशन हॉल में जाकर देखा तो फादर मरे हुए पड़े थे। उसके बाद मैं बाहर कैसे निकली मुझे खुद पता नहीं। मुझे बस इतना याद है कि मैं स्कूटी लेकर बाहर निकली थी। स्कूटी से 7:45 को गई थी ऐसा बताया। चर्च के अंदर घुसते वक्त मेन गेट आधा खुला था या पूरा खुला था? फुल ओपन था। स्कूटी को चर्च के लेफ्ट में पार्क किया था या राइट में पार्क किया था? राइट में पार्क किया था। साइड स्टैंड लगाया था या मेन स्टैंड? क्यों? जस्ट आंसर मी। साइड स्टैंड लगाया था। लॉक किया था क्या? किया था। तब तो अपना चेहरा आईने में तुमने देखा ही होगा। ऐसा लगता तो नहीं है। उस वक्त आसपास कुछ अजीब सा लग रहा था? नहीं। एनी कार और बाइक इफ यू रिमेम्बर? नहीं। तुमने कुछ तो देखा होगा, अच्छी तरह सोच कर बताओ, बिकॉज फादर की मौत का टाइम और आपका उस वक्त चर्च में होना दोनों सेम टाइम था। हाँ याद आया, एक कार थी वहाँ पे। ये तो हमें बताया ही नहीं था। ओके, हमने पूछा भी तो नहीं था। क्या यही वो कार है? हाँ ऐसी ही थी। कार के अंदर कोई था? नहीं। पक्का? मैं कह रही हूँ ना, कोई नहीं था। ओके कूल, उसके बाद? उसके बाद मैं चर्च के अंदर चली गई। चर्च में तीन दरवाजे हैं, मेन दरवाजे से गई थी या साइड से? मेन दरवाजा तो बंद था, इसलिए उसके बगल वाले दरवाजे से गई थी। ठीक है, तुम वापस किस दरवाजे से आई? निकलते वक्त मुझे कोई होश नहीं था कि मैं कौन से दरवाजे से बाहर आ रही हूँ, मैं बहुत डर गई थी। आई होप कुछ मिस नहीं किया है। नहीं। अच्छे से सोचो। नहीं। अब क्या होगा भाई, अब क्या दिखाने वाले हैं? इज दिस योर्स? स्कूटी से जब निकलने लगी थी तब किचन वहाँ गिर गई होगी। तो फिर की लगाते वक्त आपने डर से स्कूटी स्टार्ट की होगी, उस वक्त वो गाड़ी वहाँ थी? नहीं, तब नहीं थी। That's it. जेसिका चर्च में आई थी, उसका खून हुआ और बाहर निकलते वक्त वो अकेली तो नहीं आई होगी। हो गया ना, अब मैं जा सकती हूँ। Anyway, thanks a lot, Miss Meenal. That's okay. आप अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। थैंक यू, आप भी अच्छा हैंडल कर लेती हैं। मुझे दोबारा तो नहीं बुलाओगे ना? कुछ बता नहीं सकता। हाँ? आपने पूरा सच नहीं बताया, शायद बुला सकता हूँ। किस लिए? मैंने कत्ल करते देखा? नहीं, हो सकता है वो कत्ल तुमने किया हो। ये जरूरी भी नहीं कि आप दोबारा बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। टू मच, दिस इज द लास्ट। आपको क्या लगता है? सर ये लड़की बहुत अच्छी है। सर मैंने केस की बात की है। मैंने भी वही कहा, ये लड़की कोई केस नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। आप एक काम करो। बोलिए सर। दो चार दिन की छुट्टी ले लो। लगता है साहब गरम हो गए, गड़बड़ होने से पहले निकल ले बेटा। सर इस केस की स्टडी घर पे कर लूं। आई एम एग्जिट। यस,
She has conceived. Thank you, doctor. Thank you so much. 2 months, 10 days. आपको कैसे क्या बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर. बस भगवान ने थोड़े दिन का गैप लिया था यही सोचना. डॉक्टर, आप मुझे मेरी वाइफ की केयर कैसे करनी है? हमारी माँ को नहीं पता है क्या? मैं कोई नया थोड़े ना बताऊंगी. एज ए डॉक्टर मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि समझ नहीं आएगा. इसलिए पहले इस खुशखबरी को घर में बताइए. ओके, मुझसे ज्यादा घर में मम्मी पापा बहुत खुश होंगे. तो फिर पहले उन्हें फोन करके बताइए. जरूर डॉक्टर. ए विजय, इधर आ. तेरे भैया का फोन आया था. तेरी भाभी माँ बनने वाली है. मैं दादी बनने वाली हूँ. ये लो मिठाई खा लो. तू चाचा बनने वाला है. मुझे तो बहुत खुशी हो रही है. अरे आना अंदर, आ जा. विजय. हाँ विजय. पुलिस ऑफिसर सही सस्पेंस. घर में कितना हंगामा हो रहा है पता है? इतने सालों बाद आप दोनों को मम्मी पापा पुकारने वाला एक बच्चा और मुझे चाचा, इसमें हमारी खुशी तो है ही, लेकिन आप और भैया खुश हो वो हमारी सबसे बड़ी खुशी है. ए, इधर दो. क्या बे, भाभी को बहुत डायलॉग मार रहा है. ए, इतने साल जो तूने डायलॉग मारे उससे तो कम है. अरे बापरे, तुझसे तो बात करना ही ना. ओके ओके, अब ट्रीट कहाँ देनी है उसका प्लान करो. एंड वंस अगेन माय हार्टली विशेस टू बोथ ऑफ यू. थैंक्स यार, बाय बाय. आखिर आप चाहते क्या है? केस के सिलसिले में मिलना था. मैं नहीं मिल सकती. ओके, तो फिर देख लो. मुझे तुम्हें नहीं देखना. उस दिन की तरह मेरे घर के बाहर खड़े हो क्या? लेकिन मैं वहाँ हूँ ही नहीं. अब बताओ कैसे देखूँ तुम्हें? उस घर के सामने खड़ा रहूंगा तो कैसे देखोगी? लेकिन अशोक नगर मैजेस्टिक फ्लैट नंबर 15 सेकेंड फ्लोर की बालकनी से देखोगी तो मैं दिख जाऊंगा. हाय. अब आप घर पे रहो या बाहर? फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है. अभी फोन क्यों किया है? केस के सिलसिले में. क्यों, मैंने वो खून किया है? नहीं, लेकिन खून की प्लानिंग करके दी इसलिए. पुलिस ऑफिसर होकर ऐसे फ्लर्ट करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? फ्लर्ट? डेली उठते ही एक कप गर्मा गर्म कॉफी पीने की फीलिंग या वर्कआउट के बाद रिलैक्स वाली फीलिंग, तुमसे बात करके ऐसा ही फील होता है. एंड तक आपसे एक केस सॉल्व नहीं होना चाहिए. एक छोटा सा भी क्लू नहीं मिलना चाहिए. ये मेरा श्राप है. छोटे क्लू की जरूरत नहीं है, एक बड़ा क्लू ही मिल जाए. जेसिका की है, ये कंफर्म हुआ? सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक तो बॉडी जेसिका की ही लग रही है.
पोस्टमार्टम यही चल रहा है ना? यस सर, बॉडी बहुत डिकम्पोज हो गई है, इसीलिए मौके पर ही पोस्टमार्टम करने के लिए कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया है। गाड़ी में जो भी चीज है मिस किए बिना कलेक्ट कर लो। ओके सर। उनके हस्बैंड को इन्फॉर्म किया? अभी अभी इन्फॉर्म किया था सर, लेकिन तब तक सारे चैनल्स वाले आ गए सर। पोस्टमार्टम कहाँ चल रहा है? सर, किसी ने इसकी बॉडी को काटा तो नहीं है, लेकिन इतने दिनों से पड़े पड़े बॉडी सड़ गई है सर। बॉडी को धूप भी नहीं लगी है सर, खाली कुत्तों ने नोचा है सर। बस 10 मिनट, सारा सच सामने आ जाएगा, फिर मैं आपको फुल डिटेल्स देता हूँ। ओके, आई बी अराउंड। जेसिका मिलेगी तो फादर की मौत का पता चलेगा ऐसा सोचा था, अब वो खुद ही नहीं है। कन्फेशन देने वाला फादर भी जिंदा नहीं है और क्षमा मांगने वाली जेसिका भी जिंदा नहीं है, तो फिर वो गलती आखिर क्या होगी? फादर और जीसस के अलावा ये बात किसी और को भी पता है। एक्सक्यूज मी सर, फिजिकल वाउंड कॉज ऑफ डेथ देखेंगे तो उल्टे हाथ की कलाई पर कटने का निशान है, ब्लड पूरी तरह से ड्राई होने की वजह से मौत हुई है सर। एंड वन मोर थिंग सर, शी वॉज प्रेग्नेंट, उसके घर में 2 महीने का बच्चा था। अरे सर, देख रहे हो ना क्या हो गया ना सर? मिनिस्टर साहब का फोन है। हाँ नेताजी, ऐसी कोई देरी नहीं हुई है, आप अपने टाइम से आराम से आ जाइए। आप और भाभी जी आकर बेटी को हल्दी लगाएंगे तो ही फंक्शन पूरा होगा ना। मंत्री जी कब आ रहे हैं? कितना लेट हो गया है? बस 10 मिनट में आ जाएंगे, तुम अपना काम करती रहो। ठीक है, जल्दी करो। खुशी वाले दिन भी इतना मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? मैं नहीं कर सकती माँ। क्या नहीं कर सकती? गलत है ना माँ? तूने जानबूझ के थोड़े ना किया था, अब आंसू बहाने के बजाय चेहरे को थोड़ा हंसता हुआ रख। माँ, मैं थोड़ा वॉशरूम होके आऊँ क्या? मुंह धोकर जल्दी वापस आना, मंत्री जी के आने का टाइम हो गया है। जाओ जल्दी जाओ। तुम खुश हो ना? सब आपका आशीर्वाद है। पोता नहीं है, पोता नहीं है कहकर परेशान थे ना, अब तो राजनीति में अगले बारिश ने कदम भी रख दिया है, अब तुम्हें किस बात की चिंता है? अरे सुरेश। हाँ नेताजी। फंक्शन खत्म हो गया या अभी शुरू होने वाला है? बस अभी शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो लड़की कहाँ है? हाँ पापा। ए, विद्या किधर है? बाथरूम गई हुई है। जाकर देखो उसे। मैं देखता हूँ। मैं अभी आता हूँ। आ गई, वो गाड़ी पर बैठ गई है।
गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है वो। ब्लैक कलर स्कॉर्पियो TN09F8479। इस गाड़ी की पूरी डिटेल्स मुझे अभी चाहिए, क्विक। थैंक्स। किस लिए? गाड़ी उठाने के लिए या तुम्हारी चेन बचाने के लिए? वो मेरी चेन छीनने नहीं आए थे, शायद मेरा खून करने आए थे। हाँ, हो सकता है। उस दिन चर्च में फादर का मर्डर करने वालों ने अगर तुम्हें सच में देखा होगा तो वो तुम्हें मारने जरूर आएंगे। विल यू प्लीज स्टॉप दिस? हाँ, यही समझ लो कि मैंने देखा था, पर क्या कर लोगे तुम? हाँ, जब से तुमने ये इंक्वायरी इंक्वायरी नाम से टॉर्चर करना शुरू किया है तभी से ये सब हो रहा है मेरे साथ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे फॉलो करना बंद करो प्लीज। जब तक तुम पूरा सच नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। दैट्स माय ड्यूटी। आप तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, पर मेरे ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने माँ बाप की देखभाल करनी है मुझे, उनके लिए मुझे जिंदा रहना है। समझने की कोशिश कीजिए। डोंट टेक माई लाइफ इनटू एनी रिस्क। इसलिए उस दिन उसे चर्च में मारकर कचरे में फेंक दिया होता तो ये परेशानी नहीं होती। उस दिन आपको उसने देखा था क्या? कुछ मत बोल। बिना देखे पुलिस स्टेशन तक जाएगी क्या? हमने देखा था ना, तो उसने भी देखा होगा, इसीलिए तुझे भेजा था। इस बार माफ कर दीजिए भाई, अगली बार वो हमसे बच नहीं पाएगी। हाँ जॉन, बेवकूफी में वो हाथ से निकल गई। काम तो बिगड़ गया है, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी वो। ठीक है, मैं देख लूंगा। तुम कब आ रहे? ओके। वैसे उस लड़की का नाम क्या है? मीनल। हाँ, मीनल। उस मैटर को अभी यहीं छोड़ते हैं। क्यों, क्या हुआ? अभी एक हफ्ता जाने दो, कब और कैसे तब तक उस लड़की के घर का एड्रेस पता लगा कर रखो, ठीक है? ठीक है।
अब किस लिए आए हो यहाँ? ये घर भी उन गुंडों को दिखाने के लिए? सुनो मीनल, तुम जैसा सोच रही हो मैंने वैसा कुछ नहीं कहा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, प्लीज जाओ। क्या हुआ बेटी? पापा आपसे ही मिलने आए हैं। अंदर आइए सर। सर जानते हैं आपको अंदर क्यों बुलाया? इसकी वजह आपकी पोस्ट या आपकी इज्जत नहीं है। कोई बाहर देख ना ले इसलिए आपको अंदर बुलाया। मेरी बेटी ने इस केस से जुड़ी सारी सच्चाई तो आपको बता दी है, उसके बाद आपको क्या चाहिए? सर आपके और आपके डिपार्टमेंट की वजह से सिर्फ उसे परेशानी नहीं है बल्कि पूरी फैमिली को परेशानी है, इसलिए घर खाली करके यहाँ चले आए। अब यहाँ भी आप चले आए हैं सर। बताइए सर, केस खत्म होने तक मेरी बेटी आपके साथ तो नहीं रह सकती ना? मैंने बेटा पैदा नहीं किया है सर, लड़की पैदा की है। उम्र 24 हो रही है, शादी के लिए लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। इस समय भी पुलिस की इंक्वायरी होगी तो कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? मैं शादी करूंगा। आप पूछ रहे हो ना आपकी बेटी से कौन शादी करेगा? मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी। देखा, बात की सिर्फ इस वजह से आपकी बेटी पसंद नहीं आई। वो जो नौकरी करती है वो भी मुझे पसंद है। आपकी बेटी जितना पढ़ी उससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसे जो पसंद है वो काम कर रही है। बच्चे, प्ले स्कूल, सब पसंद है मुझे। बाकी अपनी बेटी से बात कर लो। और हाँ, वास्तु ठीक नहीं था इसलिए घर छोड़ा, ऐसा झूठ मत बोलिए। अकेले में बात करनी है। बोलो। नहीं, फोन पर नहीं, मिल के बात करेंगे। ठीक है, कहाँ? तुम्हें मुझसे अकेले में बात करनी थी, अब बताओ क्या बात है? फादर की डेथ जिस दिन हुई थी उसका आधा सच ही मैंने बताया था, बाकी छुपा लिया था। उस दिन फोटो में जेसिका की कार दिखी थी, लेकिन उस कार में वो अकेली नहीं, कोई और भी था। वहाँ मैंने एक और घर और चार लोगों को भी देखा था। कौन थे पता नहीं, पर दोबारा देखूंगी तो पहचान लूंगी। पहले नहीं बताया तो अब क्यों बता रही हो? पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताना जरूरी नहीं है, जिसे पसंद करती हूँ उसे तो बताना चाहिए। अखियों से नींदे उड़ी जब से तुम मिले रे, दिए संग बाती देखो जले रे, पतियों की पंखुड़ी धीरे से खुले रे, सांसों से खुशबू उड़े रे। मैं पागल हूँ तेरा तू तो ये जाने रे, मैं धड़कन हूँ तेरी तू ये पहचाने रे, तेरे लिए दिल तड़पे आ छूले आसमां उड़ के, है सतरंगी ये रंग। अखियों से नींदे उड़े जब से तुम मिले रे, दिए संग बाती देखो जले रे, पतियों की ये पंखुड़े धीरे से खुले रे, सांसों से खुशबू उड़े। तेरे बिना ना है करार, कैसे रहेंगे तुझ बिन हम ये तो न जाने यार। तेरे बिना ना एक पल चैन, तेरे बिना ना है करार, कैसे रहेंगे तुझ बिन हम ये तो न जाने यार। तू ही मेरा मन, तू ही लगन, तू ही सुकून, तू ही चुभन, तू ही मेरा चंदा, तू ही गगन, तुझ में बसा है बस मेरा मन।
के माँ बाप नहीं है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो आश्रम से यहाँ आकर खेलते हैं। बहुत लकी हो मीनल, शादी होने से पहले ही इतने बच्चों के साथ रहती हूँ। तो फिर भूलना मत अपने बच्चों को भी यहाँ लेकर आना। तुमने अच्छी लड़की सिलेक्ट की है। याद करूँ तुझे दिन रैन, देख तेरे ही ख्वाब, बस तू ही है अब हम दम, तू ही मेरा हकदार। याद करूँ तुझे दिन रैन, देख तेरे ही ख्वाब, बस तू ही है अब हम दम, तू ही मेरा हकदार। रब का करम तू है सनम, जन्म जन्म तू महरम, तू ही मेरा हौसला, तू ही सबर, लगे ना किसी की हमको नजर। तुम्हारे सारे घर वाले मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने सबके साथ ग्रुप सेल्फी लेकर फेसबुक पर अपलोड किया है और लिखा है हैविंग अ लवली मोमेंट विद माय फैमिली। अरे बाप रे, कॉपीराइट सी नहीं दिया, इतना जल्दी क्यों डाला? जिस दिन तुम्हारे घर के किचन में घुसकर फुल राइट के साथ मैंने कॉफी बनाकर पिलाई थी ना, उसी दिन सबकी कॉपीराइट मुझे मिल गई थी। हेलो हेलो, भाभी भाभी जरा अपना फोन देना प्लीज। तुम्हारा फोन क्या हुआ? बैटरी खत्म हो गई है, एक कॉल करके वापस देता हूँ। आपका मुंह ऐसे क्यों बना हुआ है? मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ, कुछ तो टेंशन या नर्वस दिखाई दे रही हो, क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अगर नहीं पूछना चाहिए तो नहीं पूछूंगा, सॉरी। विजय, वो क्या है ना विजय, बच्चा नहीं होने के दुख से ज्यादा मैंने इस घर में बहुत दुख झेले हैं। माँ जी और उनकी सारी सहेलियां सबने कैसी कैसी बातें की थी, तुम भी अच्छी तरह जानते हो ना, लेकिन अब सब बदल गया है। माँ जी तुम्हारे भैया अच्छी तरह देखभाल करते हैं। हाँ तो सब खुश है ना भाभी, इस बात पर भी कोई नाराज रह सकता है क्या? अगर ये बच्चे वाली बात ना होती तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती, मैं तुम्हारे भैया के साथ रह पाती क्या, यही डाउट होता है मुझे। बस बच्चा अच्छे से पैदा हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। अब ऐसे परेशान होकर पैदा होने के बाद मेडिसिन, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के बाद क्यों पैदा क्या बोलकर परेशान होने वाले हो? ऐसे क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, ऐसे तो बीमार हो जाओगी। बच्चे का क्या नाम रखना है, किस स्कूल में डालना है, वो प्लान करो पहले, उस सब के बजाय ये लो पकड़ो इसे। नाउ चीज। दैट्स गुड। सर आपने जो मांगा था, जेसिका के कार से मिली हैं ये चीजें, इन्हें क्रॉस चेक करके देखा था मैंने, ये वो सारे एविडेंस है जिनका यूज किया गया। चाहे जितनी बार भी इस कचरे को टटोल लो, लेकिन वो बुक वही रहेगा, पिल्लो वही रहेगा, साबुन वही रहेगा, कंघा वही रहेगा, कुछ बदलेगा तो नहीं? एक ही एग्जाम, एक ही क्वेश्चन पेपर, लेकिन मार्क्स अलग अलग, ये कैसे हो सकता है? सर सवालों को जो समझ जाए वो बुद्धिमान, ना समझे वो बेवकूफ, लेकिन मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जल्दी समझ जाओगे। इस पेट्रोल पंप में सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं पता करो। सर इतने सारे एविडेंस हैं, फिर भी इस बिल को चेक करने के लिए क्यों कह रहे हैं आप? डेट देखो, जैसे का के गायब होने के बाद, मतलब जिस दिन उसका कत्ल हुआ उस दिन पेट्रोल फुल किया गया, आप समझ में आया? सर समझ गया सर, आप पढ़ाई करके एसीपी बने हैं और मैं बस एक्सपीरियंस के बाद एसआई बना हूं, ये अंतर है सर। सर आपसे एक बात पूछनी थी सर। क्या? इस थाने में इससे भी बड़े बड़े और इससे भी खतरनाक केस पड़े हुए हैं, उन सभी केसों को छोड़कर ये जेसिका केस को इतने इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं सर? अभी जवाब देना है क्या? बॉल इज इन योर कोर्ट सर।
5 years back, आरसी स्टेशन में जब मैं इंस्पेक्टर था तब एक वाइफ के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। तब मैंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, वो कहीं गुस्सा होकर चली गई थी, 2 दिन में आ जाएगी ऐसा बोला। लेकिन 2 दिन के बाद सिर्फ उसकी डेड बॉडी मिलने की न्यूज देखी मैंने। उसके बाद वो केस किसी और के हाथों में चला गया, लेकिन आज तक मैं उसका जवाब नहीं दे पाया हूँ। एटलीस्ट जेसिका के केस में उसके हस्बैंड को मैं जवाब देना चाहता था, बट इट्स लेट। लेकिन जल्द ही मैं इस केस को फुल स्टॉप डाल दूंगा। Try to understand, please. That is what happened. Actually, I was going to friend's house and he called me for a drink and Jagpati, you know what happened after that. Mobile off करने बोलो उसको. Yes, sir. And दिखने में तो अपडेट लग रहा है, लेकिन common sense थोड़ा भी नहीं है. So I. भाई. Wait. क्या हुआ? अपना फोन बंद करोगे क्या? So what? ये पेट्रोल पंप है. बात करते समय फोन फट गया तो हम लोग भी ऊपर चले जाएंगे. No problem. It's my privacy. Privacy? लगता है आज ये गधा अपने रोमांस के चक्कर में हम सबको जलाकर ही रहेगा. Yes, yes, yes. I am exit. पिछले हफ्ते बुधवार को इवनिंग 4:30 4,422 रुपीज़ का 72.5 लीटर्स पेट्रोल किसी ने फिल किया था। याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कौन सी गाड़ी किसने भरा था किसी को अगर याद हो तो प्लीज़ बताओ। सर कितना बताया था? 72.5 लीटर्स। सर करेक्ट 72.5 लीटर्स तो फिल नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन हाँ टैंक फिल ज़रूर करते हैं। 60 to 80 लीटर्स मतलब, हाँ स्कॉर्पियो फॉर्चुनर ऐसी गाड़ी होगी सर। ऑडी A6 में कितना आता होगा? सर 60 लीटर ही आता है। सर आपने जो तारीख बताई थी उस दिन एक फॉर्च्यूनर की टैंक फुल की गई थी। इतने दावे से कैसे कह सकते हो? उस दिन मेरी वाइफ का बर्थडे था सर, उस दिन घर जाने से पहले मैंने उस गाड़ी में पेट्रोल भरा था सर, ब्लैक कलर था सर। मैनेजर सर CCTV फुटेज मुझे अभी चेक करनी है। ओके सर। क्विक। बोलो। कहाँ हो? जेसिका के केस में ही इंक्वायरी में हूँ। भूल गए मुझे पिक करने आने वाले थे? कोई बात नहीं, मैं खुद ही थिएटर आ जाती हूँ। यहाँ भी रोमांस शुरू हो गया। ओह सॉरी। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो तुम्हारी सेकंड वाइफ हूँ ना। ए ऐसा मत बोलो। क्यों नहीं, तुम्हारी फर्स्ट वाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए वहाँ हो। ओह यार क्या हुआ? कपड़े सूखने डाले थे वो उतारना भूल गई। ओके मैं वापस फोन करता हूँ। बाय। क्या हुआ? रेडी है सब? वही देख रहा हूँ सर, जो टाइम आपने बताया था उसे ही देख रहा हूँ। ओके कैमरा 2 को मैक्सिमाइज करो। एक-एक फ्रेम करके जाओ। स्लो, फ्रीज। सर यही गाड़ी थी सर। जल्दी जगपति सर, आई नीड अ बाइक। बाइक सर? बाइक तो रेडी है सर। ए उसे सीज कर। बाकी सारे डोज भी लो।
और मैं ही है, उनको बता दूं क्या? नहीं, बेकार में वो भी परेशान हो जाएगी। अब क्या करूं? पुलिस को फोन करूं क्या? फोन कट करके दोबारा करो। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट मत करना, तुम लाइन पर रहो। यस यस, I really don't want you to talk. अरे मजनू की औलाद, इसकी बाइक लेकर चले गए, ये फोन पर ही लगा हुआ है, इसे पता ही नहीं है। मीना, can you hear me? तुरंत घर की सभी एसी, फ्रिज, टीवी फैन ऑफ कर दो। हाँ, कर दिया। मेन डोर पर व्यू फाइंडर है ना, उसके नीचे जाकर बैठ जाओ। अब सुनो, तुम्हारे पहचान वाले कोई भी है तो दरवाजा मत खोलना मेरे आने पर, ओके? पापा को भी मना कर दे। डेरी कॉस्ट कोई भी आए बस दरवाजा मत खोलना। तो कोई गाड़ी यहीं पर थी, अब नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक मैं ना बोलूं दरवाजा मत खोलना, तुम अंदर ही रहो। हे सर, कहां से आ रहे हो? सेकंड फ्लोर सर। यहां किसी कार को देखा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा। जाओ। ओके। सराउंडिंग के सारे सिग्नल पर ब्लैक फॉर्च्यूनर कार को ट्रेस आउट करने के लिए कह दिया है। ओके, आसपास की सारी स्ट्रीट्स को अच्छी तरह से चेक करो, ठीक है सर? जी सर। सुनो, सच में वो आए थे ना, या मुझे बुलाने के लिए तुमने कोई प्लान किया था? मुझे यहाँ टेंशन हो रही है, तुम्हें मजाक सोच रहा है? ओके ओके, कम ऑन कूल। तुम्हारे घर पर मैंने दो पुलिस वालों को सिक्योरिटी के तौर पर रखा। सिक्योरिटी? यस। अब वो तुम्हारा घर ढूंढते हुए यहाँ आ सकते हैं तो इसे इजी नहीं लेना चाहिए। मर्डर का पता लगाने के लिए तुमने कहा था किसी और को क्लू बनना होता है, लगता है तुम्हारा क्लू मैं ही हूँ। ए, ऐसा क्यों बोल रही हो? बस एक हफ्ते में ये केस खत्म हो जाएगा। अच्छा, तुमने जो कहा वो सच था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर आ गया हूँ, एक ग्लास ठंडा पानी तो बनता है। मैं क्यों दूं? पुलिस वालों की तरह तुम गुंडों के जाने के बाद आए हो। तुम नहीं दोगी तो क्या, जैसे मेरा घर तो बहुत दूर है ना, मैं खुद ही पी लूंगा। और मेरे घर वालों को किसी को कुछ मत बताना, वरना सब डर जाएंगे। ए, सबसे पहले ये मेरे लिए ऑफिशियल है, एक पुलिस ऑफिसर हूँ, किसको क्या कहना चाहिए क्या नहीं मैं जानता हूँ। ओके, यू टेक केयर, आई विल कॉल बैक, बाय। Thank you.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है क्या? हाँ आ गई है सर। सब क्रॉस चेक कर लिया है ना? हाँ कर लिया सर। हे भगवान, मेरी बेटी इस परिवार में खुश रहेगी इसलिए यहाँ शादी करवाई थी, अब यहाँ आकर उसकी मौत लिखी है, किसे पता था। अभी हमेशा मुझसे कहती थी एक अच्छी पत्नी होने से ज्यादा एक 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 बच्चे की माँ बनना जरूरी है क्या? सब जैसा कहते हैं, मैं बच्चे को पैदा करने की मशीन हूँ क्या? मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? ऐसे न जाने क्या क्या कहती रहती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया समझ में नहीं आ रहा यार। मेरी बेटी। एक्सक्यूज मी सर, मैं कैसे जीऊंगी उसके बिना? पीएम रिपोर्ट्स के हिसाब से शरीर पर कोई खरोच नहीं है सर, बस गर्दन पर रस्सी के घिसने के निशान है सर। इंटरनल थ्रोट दबने की वजह से उसका दम घुटा है सर। आपको जो शक था वैसा किसी के भी आने का कोई सुराग नहीं मिला है सर। माँ या भाई के स्टेटमेंट के हिसाब से पैसे या जेवर किसी भी चीज की चोरी नहीं हुई है सर। अभी के हिसाब से मोड और डेथ सुसाइड ही है सर, लेकिन क्या कारण है क्यों है ये बात आपके भाई से इंक्वायरी करने पर ही पता चलेगी। ऐसा हमने क्या मांग लिया था? एक बच्चा ही तो मांगा था, जब भगवान खुद देने को राजी हो गया तो तुम मुंह मोड़ के क्यों चली गई है भगवान? हाँ, जैसे आपने कुछ मांगा ही नहीं था। आपने जो पैसे मांगे थे वो देने के लिए तो तैयार थे हम, उससे पहले मेरी बेटी को ही मार डाला। ऑटोस्पी रिपोर्ट आने के बाद इन्फॉर्म करना। श्योर सर। कैसे पैसे, किसने मांगे थे? ऐसे ही कुछ भी मत बोलिए। आपके मांगे बिना उसने 50 लाख मांगे क्या? इसके पापा ने कहा था कि हम दे देंगे। हमने? आपने नहीं मांगे तो आपके बेटे ने मांगे होंगे। 2 दिन रुका नहीं गया आप लोगों से, रुक गए होते तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। देखना बेटा, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, हमने ऐसी क्या गलती करी? हे भगवान, बेटी तूने ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी, मेरी बच्ची। विजय, तुम भले अपने भैया भाभी को बेकसूर समझो, लेकिन मुझे कुछ गलत लग रहा है। जो भी है क्लियर बोलो। उस दिन तुम्हारे घर पर फैमिली ग्रुप सेल्फी लेकर मैंने फेसबुक पर अपलोड किया था, उसके बाद मेरी फ्रेंड रेखा ने कैजुअली मुझे फोन किया था। बातों बातों में मैंने उसे बताया कि भाभी प्रेग्नेंट है, तो उसने भैया के बारे में एक बात बताई। कैसी बात? वो एक डॉक्टर है, 6 महीने पहले वो जिस फर्टिलिटी हॉस्पिटल में काम कर रही थी वहाँ तुम्हारे भैया गए थे। टेस्ट में पता चला कि उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता 10% भी नहीं है, किसी भी ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो सकता था। उसने कहा कि तुम्हारी भाभी का प्रेग्नेंट होना बहुत ही सरप्राइजिंग है। उसकी बात छोड़ो, तुम क्या कहना चाहती हो? इसमें कहने जैसा क्या है विजय, हो सकता है तुम्हारी भाभी का अपनी पुरानी कंपनी में कोई कांटेक्ट हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सर, गुड मॉर्निंग सर। को फाइल्स दे दी ना? सर, अभिनया की, सॉरी सर, भाभी की सारी रिपोर्ट्स अभी आई है सर।
जगपति सर, जैसिका की ऑटोस्पी रिपोर्ट्स लेकर। इस मेडिसिन का इस्तेमाल गर्भ के डेवलपमेंट और तंदुरुस्ती के लिए कुछ सिलेक्टेड हार्मोन्स पैदा करने के लिए किया जाता है। प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रजनन क्षमता मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी, am I right? नहीं नहीं, एग्जैक्ट वही है, ऐसा भी नहीं कह सकते। लाइक IVF, ICI बहुत से प्रोसेस मेथड हैं। इन दोनों केस में अनवांटेड डेथ है, इसलिए एक बात और ध्यान देने वाली है। वो क्या? पिछले महीने मंत्री बद्रीनाथ जी की बहू का सुसाइड केस हुआ था, वो याद है ना आपको? अन्ना नगर वेस्ट। एग्जैक्टली वही। उनके शरीर में भी ये मेडिसिन पाई गई थी। पॉलिटिकल स्टेटस की वजह से पेपर में ज्यादा नहीं डाला था, प्रेस्टीज की वजह से। यस डॉक्टर, बट तीन लोग मरे हैं, इसमें कहीं तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है उस पर तो हम शक नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी लेडीज के हस्बैंड से बात करेंगे तो कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। तुम खाना खाओ बेटा, मैं पापा को दवा दे के आती हूँ। आ गया, लेट हो गया तू। एक्चुअली भाभी के केस में लगा था तो लेट हो गया। कैसे कर लेते हो तुम? क्या? झूठ बोलना। पुलिस से छुपा सकते थे लेकिन मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था। झूठ? क्या बोल रहा है तू? भाभी के बारे में। क्या भाभी के बारे में? भाभी को क्यों मारा? क्या बोल रहा है? सच में भाभी के पेट में तेरा ही बच्चा था ना? क्या बकवास कर रहा है? भाभी के बारे में क्या बोला तूने? हाँ दादा, सच बता मुझे। पुलिस वाला तो क्या कुछ भी बोलेगा तू? क्या बोला तूने? तो तूने क्यों छुपाया? हाँ, छुपाया वो गलत नहीं लगा तुझे? क्या छुपाया मैंने? मैंने क्या छुपाया? तू जो छुपा रहा है वो बता। छोड़, छोड़ मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। छोड़ो इनको। क्या कर रहे हो तुम लोग? रुको, क्या हुआ तुम लोगों को? क्यों झगड़ा कर रहे हो? माँ, भाभी से जुड़ी कोई बात छुपा रही है, पूछो इसे। ए, तू पागल हो गया क्या? मैंने कुछ नहीं छुपाया। ए, मरने वाली के लिए अब तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? नहीं, भाभी खुद नहीं मरी थी, तुम लोगों ने मिलकर उसे मारा है। ये तो क्या बोल रहा है? हाँ माँ, इसकी इसकी शादी के बाद बच्चा नहीं है बोलकर आप कितनी बार उसे बोली है? कितनी बार मेरे सामने ही आपने भाभी को टॉन्ट मारा था? चाहे कोई भी घर पर आए, कोई खास बात है क्या, यही पूछते रहते थे। बाहर जाओ तो कुछ नहीं है यही बोलते रहना। कोई भी डॉक्टर, कोई भी अस्पताल, बस आपको बच्चा पैदा होकर मिल जाए, यही ना, यही चाहती थी ना आप? ऐसा नहीं था बेटा। कितनी बार अपनी बहू से सवाल किया आपने, एक बार अपने बेटे से सवाल किया था? अब बोल, बताने बोलो। क्या सुनना है? मेरी ही कमी है, मेरी ही कमी है। मैंने ही गलती की, लेकिन तू जैसा सोचा है वैसा कुछ भी नहीं। तू खुद अच्छे से जानता है ना, न जाने कितने हॉस्पिटल, कितने डॉक्टर, कितने मंदिर में मैं और तुम्हारी भाभी होकर आए थे। आखिर में एक भरोसेमंद हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट मिला। पहली बार हमारे अस्पताल आए हो ना? हाँ डॉक्टर। आप कहाँ काम करते हैं? आरके स्टील्स में चीफ इंजीनियर हूँ। मतलब हीट जहाँ बहुत ज्यादा है वहाँ काम करते हो। आपकी सेक्सुअल लाइफ तो ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए देखा जाए तो आपका स्पर्म काउंट मतलब शुक्राणुओं की गिनती नॉर्मल है, लेकिन मोबिलिटी, स्पीड, हेल्थनेस सब वीक है। आजकल के कपल्स में अक्सर ये परेशानी देखी गई है, जिसका कारण है उनके काम करने की जगह, मेंटल स्ट्रेस, आपका खाना, सब मायने रखता है। ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है।
थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट इजीली तुम्हारे शुक्राणु की क्वालिटी को इम्प्रूव करके नॉर्मली बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। इस ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है डॉक्टर? कम से कम एक साल तो लगता है। ये ट्रीटमेंट में सब ठीक हो जाएगा ना? 60% कंफर्म है कह सकती हूँ, बाकी 40% वो तो ईश्वर के हाथ में है। आपको अगर लेट लग रहा हो तो एक और तरीका है। कैसा तरीका डॉक्टर? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब? That means सेक्सुअल तरीके से जो नहीं हो सकता है उसे साइंस के तरीके से इंजेक्शन की सहायता से आपके शुक्राणुओं को आपकी वाइफ के गर्भ में छोड़ना होगा। 100% गर्भ ठहरने के चांसेस हैं। इसमें सोचने जैसा क्या है? आजकल की दुनिया में हस्बैंड द्वारा बच्चा ना पैदा कर सकने वाली लड़कियां किसी और के शुक्राणुओं की सहायता से लीगली बच्चे पैदा कर रही हैं। ऐसा होते हुए ये तो आपके हस्बैंड का ही होगा, इसमें सोचना क्या? सच कहूं तो मुझे खुशी है, लेकिन मम्मी पापा क्या सोचेंगे वही समझ नहीं आ रहा। वो क्यों गलत समझेंगे? मैं उनसे बात कर लूंगा। नहीं जी, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। मम्मी पापा को आप मत बताइएगा, विजय को भी हम नहीं बताएंगे, प्लीज। ओके ठीक है, नहीं बताऊंगा। 2 महीने प्रॉपर फॉलो के बाद ट्रीटमेंट हुआ। इतने सालों के इंतजार का एक फल मिल गया ऐसा लगा। तब हम कितना खुश हुए थे ये बात तुम्हें पता ही है। लेकिन जैसा तुम बोल रहे हो, उसके घर वालों से 50,000 ना मैंने मांगे और ना अस्पताल में इतनी बड़ी रकम मैंने उन्हें दी। मैम, एक सेल्फी मैम। नहीं डॉक्टर, आपका हर एपिसोड देखते हैं, आपकी मैं बहुत बड़ी फैन। सर आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। अभिनया जिसने आत्महत्या की उसके ब्रदर इन लॉ ने बताया, रियली इट्स पिटी अबाउट दैट गर्ल। पता नहीं चला उसने सुसाइड क्यों किया। आने वाले 5 महीनों में उसकी गोद में एक बच्चा होता। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तरीके से बच्चा पैदा करना सच में सेफ है क्या डॉक्टर? इसमें क्या शक है? यहाँ रिस्क वाली बात की जगह नहीं है। आपकी भाभी मर गई है इसलिए ऐसा बोल रहे हो, ये थोड़ा चाइल्डिश है। सिर्फ मेरी भाभी नहीं मरी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके बाकी 3 लोग और मरे हैं। ये भी चाइल्डिश लग रहा है ना? एक्सक्यूज मी, आपकी भाभी की बात थी इसलिए बोला, बाकियों के बारे में आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं? पुलिस वाले तो सवाल ही करते हैं ना। आई एम सॉरी, मैं यहाँ नॉर्मल इंक्वायरी करने आया था, लेकिन आपकी बातों के बाद अब मुझे ऑफिशियल इंक्वायरी करनी पड़ेगी। मेरे भैया बच्चे पैदा नहीं कर सकते, दूसरे हॉस्पिटल से ये रिपोर्ट मिल चुकी है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सिंपल, सर दर्द लेकर किसी डॉक्टर के पास जाओगे, कोई साधारण दर्द बताएगा और कोई डिहाइड्रेशन बताएगा, कोई एमआरआई करने को बोलेगा, लेकिन कौन सही डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर पाता है वही जरूरी ये है। सही है, कुछ डॉक्टर्स तो साधारण सर दर्द को ब्रेन ट्यूमर बताकर लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं। मैंने अपनी राय रखी है। जगपति, इसमें क्या शक है? बाहर तो आपने देखा ही होगा ना, टीवी सेलिब्रिटी मदन कौशल्या, उन्होंने भी लीगली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया, लेकिन हम वो सारे रिकॉर्ड सीक्रेटली मेंटेन करते हैं। प्राइवेसी मैरिज बताकर सेल्फी लेकर फेसबुक में डालने जैसी बात है। नहीं नहीं, आप लोग सीक्रेट मेंटेन करते हो, कीप इट अप। एनीवे, लीगली आपके फ्रेंचाइजी में किस किस अस्पताल में कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है, और उसके अलावा अब तक कितने क्लाइंट ये ट्रीटमेंट ले चुके हैं, मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, और सबसे पहले आपके अस्पताल की रिपोर्ट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से ही मिलेगा, बट यू नीड लीगली परमिशन फॉर दैट, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। आपके हस्बैंड इस हॉस्पिटल के डीन ही नहीं लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स है, तो आप इजीली अरेंज कर सकती हैं। मैनुअल एंड होल सिस्टम रिपोर्ट्स एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। श्योर, कल सुबह मिल जाएगी। सॉरी मैम, अगले 2 घंटे में चाहिए। ओके, मैं डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दूंगी।
If you don't mind, please make it now. हमारे हॉस्पिटल में जितनों का ट्रीटमेंट हो रहा है सभी पेशेंट्स की फुल डिटेल्स इमीडिएटली अरेंज करो। थैंक यू डॉक्टर। आगे कोई भी डिटेल्स की जरूरत पड़ी तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। बालू सलून सर, शेविंग कराने वाले हैं क्या? कल का दैनिक भास्कर होगा, वो लेकर। ठीक है सर, ये लीजिए सर। हॉस्पिटल के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तरीके से गर्भधारण करने वाले सभी लोगों से पूछताछ कर ली। उनमें से विद्या, आपकी भाभी अभिनया, जेसिका के साथ 6 औरतें हैं जो प्रेग्नेंट होने के बाद मर गई हैं। इन चारों की नेचुरल डेथ हुई है, किस वजह से मरी है ये उनकी फैमिली को भी पता नहीं। पता नहीं किसकी गलती है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। अस्पताल की गलती है या कोइंसिडेंट है या फिर सॉरी विजय, उस दिन तुम्हारी भाभी के बारे में जो भी कहा वो गलत था। जैसे का केस के चक्कर में जब मैं घूमता था, भाभी मुझसे मजाक में पूछती थी ऐसा क्या बड़ा केस है, चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। लेकिन अब भाभी भी उसी केस का हिस्सा है। तो अब भाभी की डेथ के जरिए उन चारों की डेथ के पीछे का कारण पता लगा सकते हैं। 23, उसका ही मुझे जवाब जानना है। सिर्फ उस हॉस्पिटल में पिछले 6 सालों में 436 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रीटमेंट हो चुके हैं, उसमें 6 लोग मर गए। सिर्फ इतना ही नहीं, आधे लोगों की फाइल्स में 23 नंबर का कोड इस्तेमाल किया गया है। और तो और, भैया और हमसे छुपाकर भाभी ने अपने घर वालों से 50,00,000 रुपए मांगे हुए थे। भैया और हॉस्पिटल, इन दोनों को वो पैसे नहीं चाहिए थे, तो किसी तीसरे इंसान को उन पैसों की जरूरत थी। मैम बिल करते हो क्या? हाँ? बाय बेटा, कल तो ऑफिस आओगे ना? हमने आंटी के साथ आइसक्रीम खाई है, मम्मी से मत कहना ठीक है? ओ अच्छा, तब तो आपको एक और आइसक्रीम दिलानी पड़ेगी, ठीक है ना? मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये इफ यू डोंट माइंड, मुझे स्कूल तक ड्रॉप कर दोगे? मैं बहुत लेट हो गई। मीनल। हाँ बोलो। ये सब जो हो रहा है उसे देखते हुए ये केस मुझे ब्लैकमेल का लगता है। Thank you.
मत डाल, उसी दिन कहा था मैंने, नहीं सुना तूने। अब देख, सेंटिमेंटल और इमोशनल जगह से पैसे नहीं निकालने चाहिए थे। हाथ डालना गलत नहीं था, उन दोनों को जिंदा छोड़ दिया वही गलत था। खुद गलती करके मेरी तरफ उंगली मत कर। जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ता अगला टारगेट डीले करते हैं। बिल्कुल नहीं, हाथ डाल चुके हैं, बड़ा टारगेट है, अमाउंट दो दिन में मेरे हाथ में आ जाएगा। किसी पर भरोसा मत कर, तुझे खुद ये काम करना होगा। गॉट इट? ठीक है। नो ट्रेसपासर्स, प्रॉपर आईडी कार्ड के बिना किसी को अंदर मत आने देना। यस सर। इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। ओके सर। थैंक यू। ओके सर। तुम्हें कितने बड़े रिस्क में फंसा दिया ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो तुम्हें मारने आए थे या मुझे मारने आए थे? चाहे जो भी हो, अभी तुम्हारा सेफ रहना जरूरी है। तुम अस्पताल में जब तक हो, दो पुलिस वाले तुम्हारी सिक्योरिटी में रहेंगे, डोंट वरी। इसलिए वापस इस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया? यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर। तो तुम नहीं रहोगे क्या? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये किस फिल्म का डायलॉग है? ठीक है, पुलिस स्टेशन में थोड़ा काम है, मैं जाकर आता हूँ। टेक रेस्ट विजय। वो आखिर ब्लैकमेल क्यों करेंगे? देखते हैं कि आगे तुम बच पाओगी या मैं। थोड़ा सबर करो, बहुत जल्द इस बात का खुलासा हो जाएगा, तुम इससे बच नहीं पाओगी। मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। मेरा भरोसा करो प्लीज, मेरा भरोसा करो। कट। एक्सीलेंट शॉट। ओके पुलिस ऑफिसर, आपसे मिलना चाहते हैं। मैडम, एक माँ अपने बच्चों को कैसे पाले, आपका सीरियल देखकर ही आजकल औरतें सीखती हैं। मैंने चढ़ा दिया सर, आप शुरू हो जाइए। आपकी वाइफ कंसीव है, ये बात इन्हें अस्पताल में देखने के बाद मुझे पता चली। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पब्लिक लाइफ में आते ही तुलना, जलन, पैसा, दुश्मन, ये सब मिलने लग जाते हैं। आपके साथ ऐसा कोई दुश्मन जुड़ा है? ऐसा तो कोई नहीं है सर। आई मीन, पैसों को लेकर इन कुछ हफ्तों में कोई फोन कॉल्स, थ्रेट्स, ऐसा कुछ? नहीं नहीं सर, ऐसा कोई थ्रेट्स या कॉल्स नहीं आया सर। ऐसा कुछ हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, निडर होकर बताना। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो मैं और डिपार्टमेंट देगा। सर वो नहीं, वो मैंने कहा ना कि ऐसी कॉल नहीं आई करके, तो आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सर, आगे ऐसा कुछ हुआ तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। सर जो चीज है नहीं उसकी बात क्यों कर रहे हो आप? वी नीड सम प्राइवेसी। एनीवे, आपने कॉफी बुलाई उसके लिए थैंक्स, मेरे नंबर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, चलता हूँ। अच्छा आप इतने सारे डायलॉग बोल लेती हैं, वो कोई लिख कर देता है आपने मन सही? जी सर। सर वो लड़की भले ही ज्यादा बोल रही है लेकिन अच्छी है, पर उसके पति की शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है सर। ये जी सीरियल में एक्टिंग कर रहा है ना, मेरा वश चले तो इसको निकाल कर लॉकअप में डाल दूं और दूसरे को रखूं सर। रवि, इमीडिएट टीवी आर्टिस्ट मदन एंड कौशल्या, इन दोनों के मोबाइल नंबर्स और घर का लैंडलाइन नंबर तुरंत टैप करो। Particularly, all the incoming calls should be recorded. I'm on my way. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, आपने जिस नंबर को ट्रैप करने को कहा था, उसमें 5 मिनट पहले एक कॉल आई थी सर, उसे रिकॉर्ड करके सेव कर लिया सर। फोन क्यों नहीं उठाया? वो ना शूटिंग पर थे इसलिए फोन नहीं उठा पाए। ये बताओ पैसे कब दे रहे हो? सॉरी, आज शूटिंग कैंसिल नहीं हो पाई, कल बैंक से विड्रॉ करने वाले हैं। कौन सा बैंक? संग्राम नगर के SBI बैंक। घर विजयनगर में है ना? हाँ है। पैसे लेकर घर की तरफ निकल जाना। ठीक है। जो डील की है उसके मुताबिक अगर पुलिस वालों के पास गए ना तो तुम्हारे स्टेटस और इमेज पता भी नहीं चलेगा कि कब मिट गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दे देंगे।
सर 45 सेकंड्स की बात की है, कहां से बात की है वो ट्रेस आउट करना मुश्किल है सर। सर या तो उन्हें बैंक के पास से पकड़ना होगा या फिर घर पर जाकर पकड़ना होगा। ना बैंक ना घर, दोनों जगह उनकी सेफ्टी नहीं है। घर जाते समय ही पैसे हाथ में लेने का उनका टारगेट है, वो कहां पर लेंगे उनके दोबारा फोन करने पर ही हमें पता चलेगा। वो ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं पता नहीं चल रहा है सर। लास्ट 10 सेकंड्स रिवाइंड करके प्ले करो। जो डील की है उसके मुताबिक अगर पुलिस वालों के पास गए ना तो तुम्हारे स्टेटस और इमेज पता भी नहीं चलेगा कि कब मिट गए। सर वो लोग निकल गए यहाँ से। हेलो सर, वो कार में बैठ रहे हैं। गाइस गेट स्टार्टेड, थाने आकर पैसे ले लेना। स्टॉप स्टॉप, जब मिलता है सल्यूट ही मारते रहता है, जल्दी चल। सर मदन के नंबर पर कोई कॉल आ रहा है। कनेक्ट टू कॉल। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, पिछले एपिसोड में तो आपने रुला ही दिया था सर, लेकिन मैडम ने क्या फैंटास्टिक परफॉर्म किया था सर, मजा आ गया। सर आप लोग मेरी वाइफ से बात कर लीजिए प्लीज, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। सर आप लोग बात करेंगे तो उसे भरोसा हो जाएगा सर कि मैंने आपको ही फोन लगाया था, प्लीज बात कर लीजिए। क्या कह रहे हो? मैं सीरियल की बात कर रहा हूँ सर। डाइवोर्स दे दिया बोल जाकर।
ओके सर। स्टॉप इट। डिपार्टमेंट में कोई ऑपरेशन होता है तो उसके हमेशा दो प्लान होते हैं, एक प्लान ए, दूसरा प्लान बी। तेरे फंसने की वजह प्लान बी। बोल, क्यों ब्लैकमेल किया था? फादर, जेसिका, विद्या और मेरी भाभी अभिनया और न जाने और कितने लोग। बता क्यों किया ये सब। God. मुझे डर नहीं लगता। जब हमारे जुर्म सामने आएंगे तो उस दिन बाकियों के गुनाह भी सामने आ जाएंगे। वही पूछ रहा हूं, वहां हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? डॉक्टर्स, सिर्फ डॉक्टर्स ही हैं क्या? जेसिका, स्काई टीवी एमडी की वाइफ, वो एक बड़ी क्रिकेटर फैन है, यही पता है ना? ऑलराउंडर विनोद नेहरा की वो पागलों जैसी फैन थी। ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटो लेते हैं, लेकिन इसने क्या किया पता है? उसका होने वाला बच्चा उसी की तरह क्रिकेट प्लेयर होना चाहिए, इसलिए उसी क्रिकेट प्लेयर के शुक्राणु कई लाखों में वर्मा हॉस्पिटल नेटवर्क स्पाम बैंक से खरीदे थे, वो भी अपने पति से छुपाकर। मिनिस्टर बद्रीनाथ को अपने बेटे का वारिश चाहिए उससे ज्यादा अपनी राजनीति के लिए वारिश चाहिए सोचने वाला एक इंसान, लेकिन उनके बेटे से वो नहीं हो सकता था, इसलिए अपनी बहू का रिश्ता भी भूलकर खुद के शुक्राणुओं को ही। छी, गलती किसकी है? दूसरे पैसों के लिए गलती करते हैं तो हम उन्हें रोकते हैं, रोकेंगे, लेकिन पैसे मांग कर रोकेंगे। सच सुनने वाले फादर और सच बोलने वाली जेसिका को हमेशा के लिए सुला दिया। मिनिस्टर हाथ नहीं आ पाया इसलिए उसकी बहू विद्या को सच बता दिया। वो क्या करती? सुसाइड कर दिया। डॉक्टर, जेसिका, मिनिस्टर, उन सब की गलतियों को छोड़ो, मेरी भाभी ने क्या गलती की थी? सच ही सुनना है ना? हेलो अभिन्या। हाँ बोल रही हूँ, आप कौन? मैं कौन हूँ वो जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात जाननी जरूरी है। हेलो,
तुम कौन हो क्या हो जाने बिना मुझे तुमसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हेलो, तुम्हें क्या चाहिए? गुस्सा करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। 3 महीने गोद भराई और 6 महीनों में प्रेगनेंसी डेट है। ऐसे गुस्सा करोगी तो कैसे चलेगा? इतने पर गुस्सा करोगी तो कैसे? तुम्हें एक बात नहीं पता है, वो बताता हूँ, सुन लो। तुम्हारे पेट में भले ही तुम्हारा बच्चा पल रहा, लेकिन वो तुम्हारे पति का बच्चा नहीं है। डॉक्टर तुलसी वर्मा हॉस्पिटल, कृत्रिम शुक्राणु, तुझे और तेरे पति को ही पता है, ये समझ रही है ना तू? विश्वास नहीं तो डॉक्टर से जाके पूछ ले, क्या सच है पता चल जाएगा। तेरे पेट में जो पल रहा है वो तेरे पति का नहीं है। कल जो तेरा बच्चा पैदा होगा वो तेरे जैसा दिखेगा जरूर, लेकिन तेरे पति जैसा नहीं होगा। पापा की तरह आंखें, पापा की तरह नाक, ये कहने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर, क्या हुआ बोलो ना। मेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है ना? इसमें क्या डाउट है, तुम्हारा ही बच्चा है। वो बात नहीं डॉक्टर, ये मेरे और मेरे पति का ही बच्चा है ना। बताइए मुझे, जवाब दीजिए डॉक्टर प्लीज। मेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरे पति का ही है ना? नहीं, तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारे हस्बैंड के शुक्राणु से बना बच्चा नहीं है। स्पर्म बैंक से लिए किसी और के शुक्राणु से बना बच्चा, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड के शुक्राणु द्वारा किसी भी तरीके से बच्चा नहीं पैदा कराया जा सकता। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला डॉक्टर? अगर सच बोलती तो किसी और के द्वारा स्पर्म से ट्रीटमेंट करवाने के लिए हाँ बोलती क्या? अगर तुम्हारी फैमिली को बिना बताए करते तो क्या तुम्हारे हस्बैंड मानते? लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या थी? आज की इस दुनिया में कई सालों तक बच्चे ना होने पर एक लड़की और उसके हस्बैंड को सोसाइटी किस नजर से देखती है? एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानती हूँ वो तुम्हें ना झेलना पड़े, इसीलिए एक माँ की तरह सोचा मैंने। अब बोलो, मैंने जो किया वो गलत है क्या? तुम्हें अगर अब भी गलत लगे तो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकती हो। इधर देखो, तुम्हारे लिए ना सही, सोसाइटी और हस्बैंड के लिए उसे जन्म देना ही पड़ेगा। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तेरा पति और तेरे घर वाले तेरे पेट में जो पल रहा है बच्चा वो तेरे पति का ही सोच रहे हैं। उन्हें ये पता ना चले तो उसके लिए हम एक डील कर लें, उसकी कीमत 50,000। इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तेरे पास या तेरे पति के पास भले ही ना हो, तेरा बाप बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन अभी केस जीता है इसलिए कम भी नहीं है। 4 करोड़ की जायदाद मिली है ना, उसमें से बस 1-2.5% उनकी बेटी मांगने जाएगी तो मना नहीं करेंगे ना? पति को या पुलिस को बताने की कोशिश की तो 4 महीने पहले टीवी या पेपर में देखा ही होगा ना। सच बताने वाले जेसिका और उसे सुनने वाले चर्च फादर मारे गए थे। आजकल तो मैं ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ। लड़की पैदा होगी तो क्या नाम होगा, लड़का पैदा होगा तो क्या नाम होगा, लिस्ट बनाने में ही टाइम निकल जाता है। आपको क्या चाहिए, लड़की या लड़का? इतने सालों बाद हमें एक बच्चा हो रहा है, इस बात की बहुत खुशी हो रही है। अब जो भी हो, लड़का या लड़की, उसका नाम, अच्छा वो सब छोड़ो, बच्चे का सरनेम क्या होगा बताओ तो जरा। अरविंद। नहीं,
A S, A फॉर अरविंद, S फॉर श्री अभिन्या। बच्चे पर पिता अकेले थोड़ी हक जमा सकता है। सारा दर्द सहकर पापा की पहचान बताने वाली तुमको मेरी तरफ से इतनी इज्जत तो मिलनी चाहिए थी ना। क्या हुआ अभी, अचानक चली आई? स्कैनिंग के लिए तो अगले हफ्ते ही बोली थी ना। आई होप यू आर कम्प्लीटली क्लियर एंड ऑल राइट नाउ। मैं एक बात कहूँ, मानेंगी ना आप? हाँ बोलो ना, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। मेरा अबॉर्शन कर दीजिए डॉक्टर। ये क्या कह रही हो? हाँ डॉक्टर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए डॉक्टर। ये तुम्हारा बच्चा है। नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। मेरे पेट में अगर कोई बच्चा होगा तो वो सिर्फ मेरे पति का ही होगा। एक लड़की के लिए माँ बनना कितना जरूरी होता है, शायद तुम समझ गई होगी। सिर्फ माँ बनना ही काफी है क्या? उनके साथ ईमानदार ना रहो, मैं उनके साथ वफादार रहना चाहती हूँ। मेरे लिए उतना ही काफी है। तुम्हारा एक वारिस, तुम्हारी फैमिली का कोई वंश नहीं रहेगा। बस डॉक्टर, ये बात और कितनी बार आप बोलती रहेंगी? सिर्फ बच्चा ही जरूरी है क्या? मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मुझे कैसे रखेंगे, ये बात मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उनका बहुत ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हारे हस्बैंड की परमिशन से ही अबॉर्शन किया जा सकता है। किसकी परमिशन से मेरे साथ आपने ऐसा किया? हाँ, आप उनसे क्या कहोगी ये मैं नहीं जानती हूँ। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आपको अपने आप को बचाना है तो जो मैं कहती हूँ वो करो। मैं इतने दिन प्रसव पीड़ा के लिए उत्सुक थी, लेकिन अब ये दर्द मुझे नहीं चाहिए। मन भावन ईश्वर है, मन भावन है पावन, बचपन है मन भावन है। एक कण में हो बस मन में तेरा ही ये रूप, हर एक जन में भोलेपन में हो तेरा ही स्वरूप। मन भावन ईश्वर है, मन बचपन है मन भावन। किसे मिला है? अरविंद है क्या? वो तो अभी ऑफिस निकल गए। आप लोग कौन हैं? मेरा नाम जीवा है, मैं इसका कॉलेज क्लासमेट हूँ। आज उसने घर बुलाया था मुझे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, आप रुकिए। ठीक है। मेरी आवाज भी तुम नहीं पहचान पाई हैं? वो तुमने डील के लिए हाँ कह दिया था ना, बस इसलिए डील का फैसला करने के लिए हम यहाँ चले आए। जिस दिन जिस सेकंड से तुमने इस बच्चे के लिए ना कर दिया, तभी पता चल गया कि जब चाहो जिस समय चाहो तुम हमें फंसवा सकती हो। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। हाँ गलती कर दी, उनसे और विजय को नहीं बता पाई। आसानी से नहीं मारेंगे, उसका भी तरीका है मेरे पास।
इमोशनली मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूं। जॉन। हाँ बोल। ये मान नहीं रही है, तुम खुद ही बोल दो। स्पीकर ऑन कर। ठीक है। ये देखो अभी, तुम चाहो तो हम डील कैंसिल कर देते हैं, तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे तुम कुछ नहीं करोगी। जो बच्चा होगा उसका बाप भले ही तुम्हारा पति ना हो, लेकिन माँ तो तुम ही होगी ना। आखिर तक तुम, तुम्हारा पति, बच्चा, सब मिलकर खुश रहो। देख लो, अगर मान जाए तो ठीक है। अब बोल, बच्चा चाहिए या नहीं? सर, ये क्या सर, गोली मार दी आपने? यही तो सब बातें जानता था सर, एक लौते गवाह को गोली मार दी आपने। किस बात का गवाह? ऐसी गवाह गवाह बोलकर हम सभी को छोड़ते आ रहे हैं, इससे हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, मरने दो इसे। सॉरी सर। क्यों भाई? सर जब उसे पूछताछ कर रहे थे तो हमें क्या करना चाहिए? पिस्तौल को संभाल कर रखना चाहिए था ना, हम लापरवाह हुए और उसने हम पर गोली चलानी शुरू कर दी। अच्छा हुआ सर ने उसे गोली मारकर हमारी जान बचा ली। थैंक यू सर। सर पूरा रिकॉर्ड हो रहा है सर। सब रिकॉर्ड हो गया क्या? हाँ सर। गधा, शक्ल देखो इसकी, डिपार्टमेंट में जो मिलेगा उठा कर ले जाओगे? वो चार्ज है कि नहीं, बैटरी सही है कि नहीं, ये सब कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है? उसकी सर्विस करवानी थी यार, उठाकर यहाँ लेकर चले आए, और अब आधा ही रिकॉर्ड हुआ होगा। बात समझ में आई कि नहीं? गोली मारने का सीन नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा। सॉरी सर। यूजलेस फेलोज, आई एम एग्जिट। सर, वरम हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किए हुए सभी कपल्स की डिटेल्स इस सिस्टम में है सर। ये उस हॉस्पिटल का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, राइट? यस सर। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, सिटी के सभी हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर को हैक करके सारे डेटा कलेक्ट करके रखे हुए हैं। बोलो डॉक्टर। मिस्टर विजय, आपने डीएनए टेस्ट के बारे में रिपोर्ट मांगी थी ना, वो मिल गई है। जो तीन औरतें मरी हैं उनके पेट के गर्भ की वजह वो मेल डीएनए है, जो उनके हस्बैंड्स के नहीं है। हाँ पता है। एंड वन मोर शॉकिंग न्यूज, तीनों लेडीज जो मरी हैं उनके गर्भ के अंदर मिला डीएनए एक ही इंसान का है। लीगली ये सही हो सकता है, लेकिन तीनों मर चुकी हैं। ट्रीटमेंट देने वाला वो डॉक्टर या शुक्राणु देने वाले उस स्पर्म बैंक से बात करेंगे तो इसके पीछे कौन है वो पता चल सकता है। तुम्हारी वाइफ का नाम? सुजीता सर, शी इज अ डॉक्टर। वाइफ डॉक्टर और तुम मेडिकल रेप, मतलब लव मैरिज हुई है ये बोलो? हाँ जी सर। कितने दिन से दिखाई नहीं दी? 2 दिन से सर। सबसे पहले FIR लिखा दो, उसके बाद मैं देखूंगा। सर प्लीज सर, उसे कैसे भी ढूंढ रही है सर। फैमिली बच्चा करके तुम्हारी दासी रहो तो अच्छी हो ना?
बच्चा पैदा करने के लिए ना पति की जरूरत है और ना किसी के साथ सोने की जरूरत है। किसी का भी सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स मिल जाए बस। मैं सुझे ऐसा मत करो, मुझे अपना बच्चा चाहिए। ये नहीं हो सकता, मुझे डाइवर्स दे दो, बस नाम के लिए बाप बन जाए। फैसला करने वाली तुम कौन हो? चिर तो मैंने कहा था ना, हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट पैसा होता है। तुम्हें, मुझे या किसी को भी। हेलो, हॉस्पिटल में रेगुलर फर्टिलिटी मेडिसिन सप्लाई करने वाले मेडिकल रिप्स कौन कौन है वो मैं चाहता हूँ। ओके सर। रवि सर, 2009 क्रिसमस के पहले का दिन, मतलब 24 दिसंबर, R6 पुलिस स्टेशन में अपनी वाइफ के लापता होने की कंप्लेंट देने वाला जॉन मैथ्यू का एड्रेस और अभी वो क्या कर रहा है उसकी पूरी डिटेल्स मुझे अभी चाहिए। गेट इट सर। सर आप वरम हॉस्पिटल, डॉक्टर तुलसी। US में जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं, दूसरों के शुक्राणु की मदद से न जाने कितने लोगों को मैंने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दिया है। बस यहीं पर मेरा बच्चा मेरा वंश बताते घूमते हैं। इसमें कुछ ऐसे सेंटिमेंटल इडियट्स भी हैं, किसी और का है बोलने पर मानते ही नहीं है। 100 में से बस 10 लोग ही मानेंगे। 10 लोगों से बिजनेस तो नहीं चलता है ना। बिजनेस चलता है जहां 100 लोग आते हैं उसे बिजनेस कहते हैं। मर्द के 23 क्रोमोसोम शुक्राणु स्त्री के 23 क्रोमोसोम अणुओं के साथ मिलकर ही गर्भ धारण होता है। वो मर्दों के 23 शुक्राणु किसके होंगे ये डिसाइड करने वाले हम हैं। वी आर द गॉड्स एंड इट्स ऑपरेशन 23 एंड दैट्स अ बिजनेस। इन सालों में कितनों के साथ ऐसा किया, अब तक कभी कोई परेशानी नहीं आई। अब तुम्हारी वजह से 3 क्लाइंट्स मर चुके हैं। प्रूफ है क्या? सैंडी बीन सर, ये स्पर्म बैंक असिस्टेंट है, तुम तो जानते ही हो। पेशेंट को बिना बताए 23 नंबर के स्टोरेज से इलीगली हम जो शुक्राणु फिक्स करते हैं उसके बदले में अपने शुक्राणु को बदलवा कर तुम उन्हें ही ब्लैकमेल करते हो। इनके जरिए क्लाइंट्स के डेटा भी ले लिए हैं। हमारी जानकारी के बाहर पेशेंट को इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। हम जो कर रहे हैं वो व्हाइट कॉलर क्राइम है। सब पर्दाफाश करके हमें भी मत फंसा देना। मैं ना मानू तो? मेडिकल में बहुत से एक्सक्यूजेस हैं, उनमें से कैसे बाहर निकलना है हम जानते हैं। तुम जो कर रहे हो वो व्हाइट कॉलर क्राइम है, तो मैं अब जो करने वाला हूं रेड कॉलर क्राइम। तुलसी रामकृष्णन से मिलना है। मैडम अभी मीटिंग में हैं, आप थोड़ा वेट करिए सर। थैंक यू। ट्रीटमेंट करते हैं उसमें इलीगली कुछ डॉक्टर्स केस करते हैं और उसका कोड है 23। उसे इमोशनल करके पैसे ऐंठती है ये ब्लैकमेल टीम। मनी 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 मेक्स इट ऑल। वो सब तो ठीक है अभिनया, आई मीन आपकी भाभी ब्लैकमेलर ने उनका कत्ल किया है ना? नहीं,
अपनी सोसाइटी पॉइंट कर करके कैसे भी करके एक बच्चा पैदा कर दो, ये सोचने वाले साधारण मिडिल क्लास फैमिली की मेंटालिटी को गलत इस्तेमाल करके आप जैसे डॉक्टर्स की वजह से ही मेरी भाभी सॉरी मिसेस अभिनया की मौत की वजह है। सॉरी सर, मेडिकल साइंस की उपलब्धि को आप अपने हिसाब से गलत जोड़कर मत सुनाइए। क्या है मेडिकल साइंस? पैदा होने वाला बच्चा स्कैनिंग में लड़का है या लड़की उसका पता लगाना मेडिकल साइंस है? वो लड़की है जानकर उसे गर्भ में ही मार डालना उपलब्धि है क्या? नो, इट्स अ मेडिकल क्राइम। होने वाले बच्चे की वजह से माँ की जान को खतरा है, उसका अबॉर्शन करना मेडिकल साइंस है। लेकिन लव और लस्ट का अंतर जाने बिना गलती करके उसे सोसाइटी की वजह से डर कर अबॉर्शन करना उपलब्धि है क्या? इट्स अ मेडिकल क्राइम। ये भी उसी तरह है, बच्चा चाहिए उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे मेथड से लीगली बच्चा पैदा करना मेडिकल साइंस है, बट दिस इज अ मेडिकल क्राइम। पता है डॉक्टर्स को सभी भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि किसी की जान बचाता है इसीलिए, जान लेता है इसलिए नहीं। इलीगली जुर्म करने वाले डॉक्टर्स कौन कौन है उसका पता लगाने के लिए पेशेंट को ब्लैकमेल करने वाली पूरी टीम को पकड़ना है। उसके लिए लीड्स एंड एविडेंस ये है। ये चारों लोग ऑफेंस है, एक साथ एक ही घर में बड़े हुए हैं और आज तक एक दूसरे के साथ ही है। मेडिकल डिपार्टमेंट में ये चारों इन सभी की मेन वजह है। कर नहीं सकता इसीलिए भाग रहा है ना जॉन मैथ्यू? मेरे पीछे मत आना। तू अपनी वाइफ को तो खो ही चुका है, तेरे साथ नहीं रह सकी इसलिए तूने मार दिया। सही कह रहा है तू, मैंने ही उसको मार दिया। ए, कहाँ है तू? डॉक्टर से मिलने आया, अब मुझे ढूंढ रहा है। लेकिन अस्पताल में अपने गर्लफ्रेंड का तो ध्यान रख, वही लड़की मीना। ए, क्या बक रहा है तू? मुझे पकड़ने के चक्कर में उसे मत खो देना, थोड़ा थोड़ा मर रही है वो। कहाँ है वो? कहाँ है? 23rd। Shit.
amoxicillin, slow and painless, attacks your respiratory system causing paralysis and eventually death. Pulse kam hote hote. It's like out, Vijay. I'm just not medically trained, Vijay, but also physically. भाभी को देखा था उसी दिन से डिसाइड कर लिया था उसके पेट में पलने वाले बच्चे का मैं ही बाप बनूंगा। दोस्तों के लिए सिर्फ पैसा था लेकिन मेरे लिए इमोशनल अटैचमेंट था। यस यस अचानक अबॉर्शन करने का फैसला कर बैठी जस्ट लाइक दैट। वो कौन होती है मेरे बच्चे को मारने वाली? दैट्स व्हाई ब्लडी किलर। जो भी करते हैं वो गलत नहीं है ये नहीं कह सकते। सब ये कहते हैं कि माँ बनने के बाद ही एक औरत कंप्लीट होती है, लेकिन ना जाने इस दुनिया में कितनी औरतें हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। उनकी कमी को पूरा करने के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसे ये लोग कैसे मिसयूज कर सकते हैं, ये सोचकर बहुत दुख होता है मुझे। बिना बच्चों के न जाने हम कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बिना माँ बाप के न जाने कितने बच्चे हैं। उसके लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन है क्या? मन भावन ईश्वर है मन भावन है पावन बचपन है मन भावन मन भावन ईश्वर है मन भावन बचपन है मन भावन है निर्मल निर्मल ये पल है उजला उजला कल एक एक कण में हो बस मन में तेरा ही ये
तेरा ही स्वरूप मन भावन ईश्वर है मन।